नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल लक्ष्मी किचन सीवर्स में। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे होममेड मेयोनीज जो बहुत ही झटपट बन करके तैयार हो जाएगी और आप देख भी लेंगे कि मार्केट का मेयोनीज और जो हम घर में मेयोनीज बनाते हैं उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। और बाजार से क्यों लाना इतना महंगा मेयोनीज जब घर में ही हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इनके इंग्रेडिएंट्स को इसमें कौन कौन से लगते हैं। इसके लिए हमें चाहिए रिफाइंड ऑयल, दूध, चीनी, नमक और ये वेनेगर। इन सब की मात्रा आपका ऑयल 1 कप है और जो दूध है ये मिल्क आपका 1/2 कप है और जो ये चीनी है ना ये 1 टीस्पून है, 2 टीस्पून ये है, 1/2 टीस्पून नमक है और 2 टीस्पून वेनेगर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लेंगे कांच का बाउल, एक इस तरह से कांच का बाउल लेंगे और इसमें हम डाल देंगे 1/2 कप मिल्क। आपका जो ये मिल्क है ना ये चिल्ड होना चाहिए, ये 1/2 कप मिल्क है, इसको डाल देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच चीनी, ये टीस्पून है ये वाला। आप मेज़रमेंट का ध्यान रखिएगा, मेज़रमेंट आपका सही होगा तो आपका मेयोनीज बहुत अच्छा बनेगा। साथ में इसमें जाएगा 1/2 चम्मच नमक। वैसे तो हम लोग वेनेगर डालते हैं दूध को फाड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पे हम वेनेगर का इस्तेमाल करेंगे इमल्सीफाई के लिए जो हमारा थिक करेगा दूध और ऑयल को मिक्स करने के बाद। ऑयल को हम ना दूध के साथ थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे, एक साथ ऑयल को दूध में हम नहीं ऐड करेंगे। और अगर हम मिक्सी जार जो होता है उसमें अगर हम दूध और ऑयल को मिक्स कर रहे हैं ना तो उसे हम पल्स मोड पे चलाएंगे। मैं बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आप भी बीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बीटर को भी रोक रोक के चलाइएगा, एक साथ कंटिन्यू उसे मत चलाइएगा। जैसे आपने थोड़ी देर चलाया, कुछ सेकंड के लिए चलाइए, उसे रोक दीजिए, फिर कुछ सेकंड के लिए चलाइए। जब तक आपका लिक्विड फॉर्म में है ना तब तक आप उसे सेकंड में ही चलाइए, और जब आप थोड़ा सा ना वो गाढ़ा होने लगेगा उस टाइम फिर आप इसे 1 मिनट के लिए कंटिन्यू भी चला सकते हैं। और ऐड तेल को ना हम थोड़ा थोड़ा ही ऐड करेंगे। इसे पल्स मोड पे चलाते हुए ना हम इसे गाढ़ा कर लेंगे और ऑयल को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, 3 से 4 भाग में ही ऑयल को डालेंगे। और आपका ऑयल और दूध दोनों ही चिल्ड होना चाहिए। और ये देखिए कुछ देर चलाने के बाद ना इसमें थिकनेस बनना स्टार्ट हो गई है और चम्मच में भी बहुत ही क्रीमी सा लग रहा है आपका। अब इसमें जो लास्ट का बचा हुआ ऑयल है वो सारा ऐड कर देंगे। मैंने इसे 4 पार्ट में ऑयल को डाला था। और एक साथ आप ऑयल मत डालिएगा क्योंकि एकदम से जब आप चलाएंगे ना तो ऑयल भी उछलेगा और सही से मिक्स नहीं हो पाएगा। और ये देखिए थिकनेस इसकी बहुत अच्छी आ चुकी है एकदम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूले, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तो फिर आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और ये देखिए बातों बातों में ये देखिए कितना अच्छा थिक हो रहा है। बस हम इसे कुछ सेकंड और चलाएंगे और ये देखिए कितना अच्छा थिक होकर के तैयार हो गया है। अभी थोड़ा सा ये रनी है क्योंकि मार्केट का भी अगर आप मेयो लाते हैं और बाहर रख देते हैं, फ्रिज से बाहर रखते हैं तो वो थोड़ा सा लिक्विडी ही रहता है और फ्रिज में जब रखेंगे तो वो थिकनेस आ जाती है ऑयल की वजह से। तो इसे हम एक बाउल में कर लेंगे अभी ट्रांसफ़र। आप चाहे तो किसी भी जार में भी, एयरटाइट जार में भी, कंटेनर कोई भी कांच का हो उसमें रख लीजिएगा आप। और इसे अब हम 5 से 6 घंटे के लिए रख देंगे फ्रिज में। और बाकी का जो हमारा बचा हुआ है ना उसे भी हम दूसरे डिब्बे में
कर देंगे। मेरे पास मार्केट का ना मेयू का एक डिब्बा रखा हुआ था, बाकी का बचा हुआ हम उसमें रख देंगे। और ये देखिए हमारा 5 से 6 घंटे के बाद कितना अच्छा थिक होकर के तैयार हो गया है, एकदम मार्केट स्टाइल में बना हुआ मेयू। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलूंगी एक और नई वीडियो के